Hi everyone, welcome to my channel. Asmatic fan fiction calls you fallen for normal boy team. Parsi ki start karne wali hum, to phir chal start karte hain. Jungkook do din se ghar mein nahi tha aur tab Jungkook ko bahut hi zyada badly miss kar raha tha. Tab ab samajh aa raha tha ki Jungkook uske liye kitna zyada important tha. Tab unko do din puri tarah se neend bhi nahi aaya tha. Wo Jungkook ke sath baatein karna chahta tha. बट जंगकुक बिजी था, इस वजह से जंगकुक तंग को कोई भी रिप्लाई भी नहीं किया था। तंग इस कंपनी में नहीं जाता है और वो जंगकुक की वापस आने की वेट करने लगता है। जंगकुक के घर में आने की बात हुआ था शाम के अंदर, पर रात के 9 बज गया था, अभी भी जंगकुक घर में नहीं था। इस वजह से तंग जंगकुक को कॉल करता है, पर जंगकुक कॉल को रिसीव नहीं करता है। इससे तंग फिर से जंगकुक को मैसेज करता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है। जंगकुक तुरंत उनको रिप्लाई करते हुए कहता है एक्चुअली वो ट्रैफिक में अटक गया है, वो और कुछ घंटे बाद वापस आ जाएगा। इससे तंग जंगकुक को तुरंत कहता है जल्दी से वापस आओ। जंगकुक तुरंत रिप्लाई करते हुए कहता है कि वो तुम तो मुझे पसंद भी नहीं करते हो, अब चाहते हो मैं घर में वापस जाऊँ वो भी जल्दी, बट क्यों? तंग इससे कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से घर में वापस आओ, मुझे नहीं पसंद कि तुम ज़्यादातर टाइम बाहर पर रहो। जंगकुक तुमको फिर से पूछता है ठीक है ऐसे भी मैं सोच रहा था कि मैं कुछ दिनों के अंदर डेट पर जाना स्टार्ट करूँ, मेरा भी एक फ्यूचर है। इससे तुम कोई भी रिप्लाई नहीं करता है, 2 मिनट बीत जाता है पर फिर भी कोई भी रिप्लाई नहीं था। इससे जंगकुक तुमसे पूछता है तुम क्या सोचते हो, मैं क्या जा सकता हूँ? मेरे पास बहुत ही ज़्यादा हैंडसम बॉय आया था कल, जिसने मुझे प्रपोज किया है और मुझे कल डेट पर जाने के लिए बोला है, क्या मैं जाऊँ? तुम तुरंत कहता है जो मर्जी हो करो, मेरा क्या, अब मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम तो सिर्फ डेट पर ही जाने वाले हो तो फिर जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी। वेरी गुड। और इसके साथ तुम अपने फ़ोन को साइड में रख देता है और अपने मन में कहता है लाइक सीरियसली वो अब डेट पर जाने वाला है, क्यों जाने वाला है, क्यों उससे जाना है, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया था? अगर उसे किसी और के साथ डेट पर ही जाना था तो फिर मुझसे शादी क्यों किया था, लाइक सीरियसली? और तुम इसके साथ गुस्से में आ जाता है। मिस्टर किम जो वहाँ से जा रहा था वो तुम को एंगर फेस के साथ देखकर पूछते हैं क्या हुआ है तेई? तुम तुरंत कहता है कुछ नहीं। मिस्टर किम फिर से पूछता है नहीं तुम बता सकते हो, लग रहा है कि कुछ भी ठीक तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब कर रहा है। तुम तुरंत कहते हैं नहीं मुझे कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, मैं पूरी तरह से फिट एंड फाइन हूँ। इससे मिस्टर किम फिर से पूछता है आर यू श्योर? तुम तुरंत आंसर करता है क्यों आपको लगता है कि कुछ गलत हो सकता है? मिस्टर किम कहता है जो तुम्हारा मर्जी। और इसके साथ मिस्टर किम वहाँ से चला जाता है। जंगकुक जब देखता है तंग और उससे रिप्लाई नहीं कर रहा था, जंगकुक तो हंसने लगता है और कहता है शायद उसे इंटरेस्ट नहीं है या तो वो चाहता है कि मैं ना जाऊँ। ऑलमोस्ट 2 घंटे बाद जंगकुक फाइनली घर में पहुँच जाता है। वो पहुँचने के बाद मिस्टर किम जंगकुक को एक हक करता है और कहता है तुम्हारे अलावा ये घर पूरी तरह से सुना से पड़ गया था। तंग की तरफ जंगकुक देखता है जो चुपचाप काउस पर बैठा हुआ था। तंग को देख कर जंगकुक पूछता है और तुम कुछ नहीं बोलोगे, बार बार तो मैसेज कर रहे थे। तंग अपनी जगह से उठ जाता है और कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं मेरे रूम में जा रहा हूँ। इसके साथ तंग चुपचाप रूम की तरफ चला जाता है। मिस्टर किम पूछता है क्या हुआ है? जंगकुक आंसर करता है मैं सिर्फ बोला था मैं किसी के साथ डेट पर जाने वाला हूँ, शायद उसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है या तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मिस्टर किम जो समझ जाता है कि क्या हुआ है, मिस्टर किम कहता है तुम्हें क्या लगता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता है? मैं उससे पूछा था, बहुत ज़्यादा एंग्रीली बातें कर रहा था, शायद उसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जंगकुक ये सुनकर हैप्पी हो जाता है और कहता है ठीक है मैं देखता हूँ। मिस्टर किम जो हूँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक पूछता है अपने डिनर क्या था। मिस्टर किम कहता है चलो एक साथ करते हैं। जंगकुक स्माइल करते हुए आंसर करता है ओके मैं आता हूँ। फिर मिस्टर किम हाँ कह देता है। जंगकुक जब अपने रूम के अंदर जाता है वो जाकर देखता है तंग चुपचाप अपने फ़ोन में कुछ कॉल कर रहा था। जंगकुक तंग से पूछता है क्या कर रहे हो? तंग जंगकुक को कोई भी आंसर नहीं करता है। जंगकुक फिर से पूछता है
मैं कुछ पूछा था, तुम जंगकुक को कहते हैं जाओ और डेट पर जाओ, तुम को जंगकुक तुरंत कहते, तुम भी तो चाहते हो ना, तुम अगर तुम करो तो फिर वो अच्छा है और अगर मैं करूँ तो फिर वो गलत बात है, ये क्या सा इंसाफ है। ये सुनकर तुम कहते चुप रहो, मुझे बातें नहीं करना है। जंगकुक कहते क्यों, अगर मैं अच्छी बातें करूँ तो तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता है, अगर मैं बुरी बातें करूँ तब भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, तो फिर आप क्या मैं म्यूट बन जाओ। तुम कहता है तुम आज ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हो स्वीटहार्ट। जंगकुक कहता है आज तुम मुझे स्वीटहार्ट बुला रहे हो, पता नहीं कल शायद तुम मुझे स्लट बुलाने लगो। तुम अपने काम वॉइस में कहता है और मैं ऐसा नहीं बुलाने वाला हूँ। तो जंगकुक अपने काम वॉइस में तुम को रिप्लाई करता है रियली, पर तुम तो मुझे पसंद भी नहीं करते हो। तो जंगकुक की बातों को सुनकर तुम चुप हो जाता है। फिर तुम को जंगकुक कहता है मैं नीचे जा रहा हूँ, जल्दी से नीचे आ जाओ, डिनर कर लेना। और फिर जंगकुक जल्दी से बाथरूम में जाता है और जल्दी से चेंज करके नीचे आ जाता है। तब वो देखता है तुम भी वहाँ पर ही था। तुम जो जंगकुक को उसके डिनर को सर्व करता है, इसे देखकर जंगकुक जो कोई भी रिएक्शन नहीं करता है और वो चुपचाप अपने डिनर करने लगता है। डिनर आराम से ख़त्म हो जाता है। फिर तुम और जंगकुक जब रूम के अंदर जाता है तो जंगकुक चुपचाप बेड पर लेट कर उस लैपटॉप में वर्क करने में बिजी हो जाता है। तुम उसे देख कर जंगकुक से पूछता है तुम इतना ज़्यादा वर्क क्यों कर रहे हो, तुम इतना ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक तुमको अपने काम वॉइस में आंसर करता है क्योंकि मुझे वर्क करना पड़ेगा, मैं ऐसे ही बैठे नहीं रह सकता हूँ, एक होल कंपनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर है, तो फिर ऑब्वियसली मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से ही निभाना पड़ेगा। तुम सोना चाहते हो सो सकते हो। और इसके साथ जंगकुक फिर से अपनी लैपटॉप की तरफ ध्यान देता है। इसे देखकर तुम चुपचाप बैठा रहता है और वो जंगकुक की तरफ सिर्फ देख रहा था। और जंगकुक जो वर्क करने में इतना ज़्यादा बिजी था कि वो नोटिस भी नहीं किया था कि तुम उसकी तरफ देख रहा था। फिर तुम सोलह सोलह जंगकुक के पास आ जाता है और वो आकर जंगकुक को हक कर लेता है। जंगकुक जब ये फील करता है कि कोई उसकी वेस्टगन अपनी हैंड को ग्रैप करके रखा है, जंगकुक तुरंत तुम से पूछते हैं क्या कर रहे हो तुम इस तरह से मुझे टस्ट क्यों कर रहे हो। तुम जंगकुक को अपने स्लीपी वॉइस में कहता है क्यों, मैं क्या मेरे हस्बैंड को अब टस्ट भी नहीं कर सकता हूँ, उतना भी क्या मेरा हक नहीं है। जंगकुक कहता है तुम किसी को डेट कर रहे हो और तुम मुझे टस्ट कर रहे हो, तुम्हें थोड़ा सा भी शेम है या फिर नहीं, तुम कम से कम उसकी फीलिंग की तो रिस्पेक्ट करो। तुम कहता है मैं उसके साथ ब्रेकअप कर लिया हूँ, इस टॉपिक पर बातें करना बंद करो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। जंगकुक कहते हैं क्यों, पर तुम तो उसे लाइक करते थे। तुम कहते इस टॉपिक पर बातें करना बंद करो ना। तब जंगकुक कहता है तो फिर मेरी वॉइस के कारण से अपने हाथ को हटाओ, मैं भी इस टॉपिक पर बातें करना बंद कर दूंगा। तुम कहते अगर मैं नहीं किया तो, जंगकुक कहता है और मैं अगर उसके बारे में बातें करना बंद नहीं किया तो। तुम कहता है मैं अदर तरीके से इसे बंद कर सकता हूँ। जंगकुक कहता है कैसे, तुम जंगकुक के लैपटॉप को बंद कर देता है। जंगकुक तुम की तरफ देखता है और अपने काम वॉइस में कहता है तुम ये सब कुछ बंद करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम अब मुझे सिस्टम में डिस्टर्ब कर रहे हो। ये सुनकर तुम जंगकुक की तरफ देखता है और उसके लैपटॉप को नाइट स्टैंड पर रख देता है। जंगकुक तुम की तरफ सिर्फ देखने लगता है। तुम फिर जंगकुक की तरफ झुक जाता है और उसकी यार के पास स्पर करके कहता है यू नो मैं तुम्हारी माउथ को बहुत इजीली बंद कर सकता हूँ स्वीटहार्ट, लाइक मैं तुम्हारे लिप्स को मेरी लिप्स के साथ लॉक करके। इस सुनकर जंगकुक क्या रेड हो जाता है। फिर से तुम आंसर करता है और उसके बाद ये नाइट बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग जाएगा, इतना ज़्यादा लॉन्ग कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो जंगकुक जितना ज़्यादा हो सके उतना अपनी नॉर्मल वॉइस में पूछता है तुम कहना क्या चाहते हो, सीधा सीधा बताओ। तुम कहता है अगर मैं सीधा सीधा बताऊँगा तो फिर तुम करोगे। जंगकुक फिर से पूछता है क्या। तुम कहते इतना भी ज़्यादा इनोसेंट मत बनो, मुझे पता है बेबी बॉय इनोसेंट नहीं है। जंगकुक कहता है अगर तुम मुझे डायरेक्टली नहीं बताओगे तो फिर मुझे कैसे पता लगेगा। तुम जंगकुक की आर को लिख करते हुए कहता है ज़्यादा कुछ नहीं,
बस मैं भी उसे लव मेकिंग बोला चाहता है, शायद मैं वो तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। तुम क्या सोचते हो बेबी बॉय? जंगो किससे और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। वो अपने टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है। फिर जंगो तंग को आंसर करता है, ओके। तंग इससे पूछता है, ओके का क्या मतलब है? जंगो कहता है, मुझे सोना है, मैं और बात नहीं करना चाहता हूँ, मुझे नींद आ रहा है। तंग तुरंत कहता है, मैं तो अभी सिर्फ लॉन्ग नाइट की बातें कर रहा था और तुम अभी से डर गए हो। बेबी बॉय इतना ज़्यादा डरोगे तो फिर कैसा होगा? जंगो अपने काम वॉइस में आंसर करता है, कौन डरता है तुमसे? तुम जैसे पर्सन से कोई भी नहीं डरेगा और तुम जैसे इतना ज़्यादा आबारा लड़कों से तो बिल्कुल भी नहीं। तंग कहता है, मैं एक जॉब करता हूँ, तुम मुझे आबारा बुला रहे हो? जंगो कहता है, ऑफकोर्स तुम एक आबारा बॉय हो, क्योंकि तुम लोगों के पीछे पीछे घूमते हो उन लोगों के साथ बातें करने के लिए और स्पेशली उन लोगों को डेट करने के लिए। डेट वर्ड पर जंगो ज़्यादा ही जोर लगाता है। तंग इससे हंसने लगता है और कहता है, मिस्टर किम जंगकुक, मैं तुम्हें तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम्हारी हॉट डैडी बिल्कुल भी इस तरह की पर्सन नहीं है। वो तो बस मेरा फ्रेंड था, इसी वजह से मैं उसे डेट करने के लिए राजी हो गया था। जंगकुक तंग को खुद के पास से दूर पुश कर देता है और कहता है, फ्रेंड हो या तो जो भी हो, तुम मैरिड हो, तुम्हें ही याद रखना चाहिए। और इसके साथ जंगकुक पेट पर लेट जाता है और खुद को डुबट से कवर कर लेता है। तंग इसे देखकर एक लंबा सांस लेता है और कहता है, क्या मैं डुबट के अंदर आ सकता हूँ? जंगकुक कहता है, अगर एक भी बातें किए ना तो फिर किक मार के फ्लोर पर फेंक दूंगा। इस सुनकर तंग कहते, इतना ज़्यादा हिम्मत हो गया है तुम्हारे? जंगकुक कहते, तो चुपचाप सो जाओ वरना तुम अपने उस गर्लफ्रेंड के पास जा सकते हो। ये सुनकर तंग एक लंबा सांस लेता है और कहता है, नो मैं मेरे बेबी बॉय के साथ हैप्पी हूँ। और तंग इसके बाद जंगकुक के साथ लेटा रहता है। जंगकुक जो तंग को खुद को टेस्ट भी नहीं करने देता है। तंग चुपचाप सीलिंग की तरफ देख रहा था और जंगकुक के सो जाने की वेट कर रहा था। जंगकुक जब पूरी तरह से डीपली सो जाता है, तंग सोली सलीम जंगकुक के क्लोज चला जाता है और उसे पीछे से हग करके तंग खुद भी सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तंग पहले उठ जाता है। उठने के बाद वो जल्दी से जंगकुक की फोट पर एक किस करता है और जल्दी से वो बाथरूम में चला जाता है, क्योंकि उसे डर था अगर जंगकुक ने देख लिया कि वो एक्चुअली तंग के आर्म्स में सो रहा था तो फिर ज़रूर जंगकुक तंग की हाफ मर्डर कर डालेगा, जो तंग नहीं चाहता है। और वो जल्दी से फ्रेश होने के बाद जब बाहर आता है, देखता है जंगकुक नहीं था। जंगकुक ने से ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था और वो दूसरे रूम से ऑलरेडी फ्रेश हो गया था। तंग जंगकुक के पास जाता है और जंगकुक से पूछता है, मैं क्या हेल्प करूँ वाइफिंग? तो जंगकुक एंग्री हो जाता है और कहते हैं, मैं तुम्हें कौन से अंकल से गल लगता हो, तुम मुझे वाइफिंग नहीं बुला सकते हो? तंग कहते, ओके प्रिंसेस। जंगकुक कहते, प्रिंसेस भी मत बुलाओ। तंग कहते, ओके सिंड्रेला। ये सुनकर तंग को जंगकुक बहुत ही ज़्यादा एंगर लुक देता है और कहता है, तुम्हें एक दिन में मार डालूंगा। तंग कहता है, मैं ऑलरेडी मर गया हूँ तुम्हारी खूबसूरती को देखकर। ये सुनकर जंगकुक अपना आइस को रोल कर लेता है और कहते, पहले तो दिखाई नहीं दिया था। तंग कहता है, सिर्फ ऐसे ही, शायद तब मैं ब्लाइंड था। जंगकुक कहते हैं, लोग प्यार में गिरने के बाद ब्लाइंड होता है, प्यार में गिरने के पहले ब्लाइंड नहीं होता है। जंगकुक को तंग एक स्माइल बैक करता है और कहता है, मेरी टाइप पर डिफरेंट है, क्योंकि एक्चुअली मैं डिफरेंट पर्सन हूँ ना, तो फिर सब कुछ मेरे साथ डिफरेंट ही होता है। जंगकुक कहता है, हाँ इसी वजह से तुम शादी के बाद डेट करते हो, वो भी किसी और के साथ, और उसके साथ तुम बाद में वापस भी आते हो, और तुम्हें और मैं क्या क्या बताऊँ, एक दिन ऐसा ना हो जाए कि मैं हस्बैंड तो तुम्हारा हो बट बेबी किसी और का हो। ये सुनकर तंग तुरंत जंगकुक की फेस को क्रैप कर लेता है। जंगकुक जो शॉक हो जाता है। तंग जंगकुक की चेन को टाइटली पकड़ कर रखा था और वो गुस्से से कहता है, लिसन, सब कुछ डिफरेंट हो सकता है पर ये चीज़ डिफरेंट नहीं हो सकता है, तुम मेरा हो, फ्यूचर में भी तुम मेरा ही रहोगे। अगर किसी ने भी तुम्हें टेस्ट करने की ट्राई किया तो फिर वो होल लाइफ के लिए रिग्रेट करेगा तुम्हें टेस्ट करने के लिए।
और बाकी रही बात बेबी की, अगर बेबी होगा तो फिर वो अगर किसी और का हो तो फिर तुम्हें लगता है वो पर्सन जिंदा भी रहेगा, वो तुम्हारी होल बॉडी को टच करेगा, तो फिर मैं उसे इस दुनिया से ही पूरी तरह से गायब कर दूंगा। किसी की भी हिम्मत नहीं है कि तुम्हें टच करके चला जाएगा। तो उनकी हैंड को जंगो फोर्सफुली हटा देता है और कहते तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो और तुम मेरे साथ पॉजिटिव बिहेव कर रहे हो। ओ मिस्टर किम, प्लीज़ अपने ये सारे एक्टिंग खुद के पास रखो, चुपचाप जाओ, मुझे ब्रेकफास्ट रेडी करने दो। तंग जंगकुक को कहता है मैं सीरियस हूँ, और तभी जंगकुक कहता है और मैं तुम्हारे ये सारे झूठी बातों में नहीं आने वाला हूँ, चुपचाप जाओ। तंग एक लंबा सांस सोता है और कहते मैं सच में सीरियस हूँ, और इसके साथ वो जल्दी से डाइनिंग रूम में चला जाता है। जंगकुक एक लंबा सांस सोता है, उसे तो उनकी बातों पर ट्रस्ट नहीं हो रहा था, और वो चुपचाप जाकर ब्रेकफास्ट सर्व करता है। और सब लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद जंगकुक और तंग कंपनी में चला जाता है, जहाँ पर तंग और जंगकुक दोनों ही वर्क में पूरी तरह से बिजी हो गया था। और तंग जो जंगकुक के साथ किसी भी तरह से बात करना चाहता था, बट वर्क भी था तो तंग वर्क पर फोकस कर रहा था। लंच के टाइम पर तंग को जंगकुक लंच नहीं देता है, जिस वजह से तंग जल्दी से जंगकुक की केबिन के पास चला जाता है और बिना नॉक के ही अंदर जाता है। और जाकर देखता है जंगकुक किसी के साथ कॉल पर बातें कर रहा था और हंस रहा था। और जंगकुक तुरंत कहता है तुम सच में अब बहुत ज़्यादा हैंडसम हो गए हो, मैं सच में ये सोच रहा हूँ कि कोई तुम्हें इस तरह से कैसे बना सकता है, गॉड तुम्हें इतना ज़्यादा अच्छी तरह से कैसे बना सकता है, ज़रूर गॉड ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया था। तो ये सुनकर अचानक से अपने चश्मे पेन फील होने लगता है। जंगकुक क्यों किसी वर्ड की तारीफ कर रहा था, वो क्या था उनके नहीं कर सकता है, तो उनके हैंडसम नहीं है। फिर जंगकुक फिर से कहता है मैं सच में तुम्हारे साथ एक डेट पर जाने के लिए वेट नहीं कर पा रहा हूँ, आज लंच के बाद तुम आ जाना, मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाऊँगा। तो ये सुनकर और भी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्या जंगकुक डेट पर जाने वाला है, वो भी किसी और के साथ, ऐसा क्यों, तो क्या यहाँ पर नहीं है, उसे क्यों किसी और के साथ डेट पर जाना है। फिर जंगकुक कहता है मैं वेट करूँगा, 3 बजे आकर मुझे पिक कर लेना। और इसके साथ जंगकुक कॉल को कट कर देता है। तभी उसे पीछे की तरफ टर्न होता है, देखता है तंग वहाँ पर खड़ा था। तंग अपने काम बॉस में पूछता है मेरी लंच, जंगकुक तुरंत कहता है ओ हाँ यहाँ पर है, और जंगकुक जल्दी से तंग को उसकी लंच दे देता है। तंग अपने लंच बॉक्स को ले लेता है और जंगकुक से पूछता है तुम क्या लंच नहीं करोगे। जंगकुक कहते नहीं 3 PM पर मेरी एक्चुअली एक डेट है। ये सुनकर तंग जंगकुक की तरफ अपनी डार्क आइज के साथ देखता है और कहता है ओ जंगकुक एक्चुअली मैं ये कहना चाहता था कि तुम क्या मेरे साथ आ सकते हो। तंग को जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है कहाँ पर। जंगकुक को तंग तुरंत कहता है एक्चुअली मैं आज मेरी फ्रेंड्स के साथ मिलने वाला हूँ और मेरी फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा जोर किया है कि तुम भी मेरे साथ चलो, तो फिर प्लीज़ तुम क्या आ सकते हो। जंगकुक तंग को तुरंत मना करते हुए कहता है बट आज मेरा एक डेट है। तंग तुरंत कहते प्लीज़ तुम डेट बाद में भी कर सकते हो, वहाँ पर मेरी फ्रेंड तुम्हारे लिए बहुत ही बेतबले से वेट कर रहा होगा। जंगकुक कहता है ठीक है चलो चलते हैं, ऐसे भी हम लोग वहाँ पर ही लंच कर सकते हैं। जंगकुक को तंग तुरंत कहता है ठीक है तो फिर ये लंच हम लोग किसी को दे सकते हैं। और जंगकुक हमें अपने सिर हिला देता है। वो लोग जब नशे की तरफ जा रहा था, तंग अपने लंच को एक गार्ड को दे देता है और फिर वो जंगकुक के साथ एक रेस्टोरेंट में चला जाता है। उस रेस्टोरेंट में तंग के साथ जंगकुक बैठा हुआ था। जंगकुक पूछता है तुम्हारी फ्रेंड्स कहाँ पर हैं। तंग कहता है वो लोग बोला था जल्द ही आ जाएगा, फिक्र मत करो। जंगकुक हाँ कह देता है और फिर से कहता है मुझे 3 बजे के पहले ही निकलना होगा। तंग कहता है ओके तुम जैसा चाहते हो। और फिर तंग जो ऐसे एक्टिंग करने लगता है जैसा उसकी फ्रेंड्स में आने वाला था, और तंग अपने फ़ोन को लेकर इस तरह से दिखाने लगता है जैसे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा था। उन लोगों की लंच आ जाता है।
तंग और जंगू ग्लेंस करने लगता है और तंग जंगू को कहते शायद वो लोग लेट आएगा और थोड़ा सा वेट करते हैं। तुम और को चाहते हो प्रिंसेस? जंगू तुरंत नाम में अपना सिर हिला देता है। फिर तंग और जंगू जो अपने लंच को फिनिश करने के बाद जंगू को तंग और थोड़ा सा वेट करता है। ऑलमोस्ट दिन बजने वाला था। जंगू कहते ठीक है यहाँ पर मैं मेरी पर्सन को बुला लेता हूँ वही अच्छा होगा, ऐसे भी तुम्हारी फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता आएगा और अगर आता भी हम तो फिर कोई बात नहीं यहाँ पर सब लोग मिल लेंगे। पर तंग जंगू को कहते मुझे तुम्हें कुछ दिखाना भी है। जंगू कहते क्या? तंग कहते मेरे साथ चलो। और तंग जंगू को लेकर एक पार्क में जाता है, वहाँ पर वो लोग बैठा रहता है। जंगू को तंग कहते मैं यहाँ पर मेरी स्मॉल एज में मॉम के साथ आता था। इस सुनकर जंगू तंग की तरफ देखता है। तंग फिर स्माइल करता है और कहते सब कुछ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट था, मैं मिस करता हूँ। जंगू तंग की हैंड को पकड़ लेता है और कहते इट्स ओके मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तंग स्माइल करता है और कहते मुझे सुनकर मर जाना मेरी मॉम की तरह। जंगू कहते इट्स ओके मैं नहीं जाऊँगा। तंग जो हाँ कह देता है और उसके बाद तंग जो जंगू के साथ और भी ज़्यादा बातें करने लगता है और वो लोग पार्क में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। जंगू को उसके फ्रेंड्स के पास से कॉल आता है जो जंगू के साथ डेट पर जाने वाला था। जंगू उसे कहता है सॉरी फ्रेंड आज मैं फ्रेंड डेट पर नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड के साथ डेट पर हूँ। इससे जंगू के फ्रेंड जंगू को तुरंत कहते हो कि कैरी ऑन करो। और फिर जंगू जो अपने फ़ोन को साइड में रख देता है और तंग के साथ बातें करने में बिजी हो जाता है। तंग जंगू को बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर लेकर जाता है जहाँ पर जंगू इंजॉय करता है। तंग अपनी हर एक मेमोरी की चीज को जंगू को बता रहा था जो जंगू को बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करा रहा था। और तंग भी जंगू के साथ बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल फील कर रहा था। ओके एवरीवन इसके लिए बस इतना ही।